शरीर में गांठें बन जाती हैं चर्बी के इकट्ठा हो जाने से, एक जगह, कई जगह, बाहर भी और कई बार अंदर रसौली बन जाती है, गर्भाशय में या एक दो जगह और। इसमें ज़्यादा उपयोग होने वाली औषधि जो है वो कांचनार गुग्गुल और वृद्धिवादिका वटी है। हालांकि इसके अलावा कुछ औषधियाँ हैं लेकिन मुख्यतः ये प्रयोग होती है। कईयों को आराम मिलता है शुरू शुरू में, बाद में किसी एक जगह पे आके वो रुक जाती है, उसके बाद वो पिघलती नहीं है। ऐसे में अगर आप उसे पानी से लेते हैं औषध को, काम तो वो करती है लेकिन इतना तेज नहीं करती। तो क्या करें, इसका अनुपान बदलें। अनुपान बदलने से मेरा मतलब है उसे लेने का ढंग बदलें। आप उससे पानी से या गर्म पानी से लेने की बजाय रासनादि क्वाथ नंबर 13 से लें। रासनादि क्वाथ नंबर 7 और रासनादि क्वाथ नंबर 13, मुख्यतः ये दो आते हैं। जो रासनादि क्वाथ नंबर 13 है उसको आप 1.5 चम्मच पाउडर लेके 1.5 गिलास पानी में उबालिए। जब वो उबल करके खुला ढक्कन रख के उबालना है, 1/3 रह जाए तो उसे आप ढककर रख दें। जो 1/3 पानी बचा उसके 2 भाग कर लें। सुबह गुनगुना गुनगुना उसी में से निकाल के खाने के आध घंटे बाद इसके साथ वो कांचनार गुग्गुल और वृद्धिवादिका वटी लें। कोशिश करें वैद्य भाई बहन कि अगर गांठ बड़ी है तो उसी हिसाब से सुबह शाम 1-1 ग्राम तक भी कांचनार गुग्गुल दी जा सकती। वृद्धिवादिका वटी ज़्यादा ना दे करके 1-2 गोली सुबह शाम दी जा सकती है, 2-2। तो इसको जब आप कांचनार गुग्गुल से लगाएंगे आप देखेंगे कि चाहे वो PCOD की समस्या हो, फाइब्रॉइड हो, चाहे वो सिस्ट हो, चाहे वो बाहर कोई नॉट बन गई है, किसी प्रकार की भी गांठ है, मेलिग्नेंट है, या फिर कोई, कई बार गांठें मैंने देखा है कि ज़्यादा शरीर में हो जाती हैं, तो उसमें ये औषध का जब अनुपान रासनादि क्वाथ में दिया जाता है, साथ ही साथ एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल हल्का हल्का बाहर, जहाँ अगर गांठ दिखती है तो वहाँ रगड़ दिया जाए हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, तो उससे गांठें पिघलने लगती हैं। शर्त यही है, गर्म चीज़ खाई है तो ठंडा पानी ना पिए, ठंडी चीज़ खाई है तो गर्म चीज़ ना खाएं, इससे गांठें ज़्यादा बनती हैं। ज़्यादा गांठें बनती कैसे हैं कि पानी पीना ही ना, शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बन गई लेकिन पानी नहीं पिया तो पसीने से गर्मी बाहर नहीं निकली, पेशाब के रास्ते गर्मी बाहर नहीं निकली, तो शरीर के अंदर का जो धातु है, कफ है, उसको सुखा देती है। तो बस वही फैट्स जब सूख जाती है, इकट्ठी हो जाती, टाइट हो जाती, तो वो गांठों का रूप ले लेती है। कोशिश करें ज़्यादा खट्टी इमली, खट्टा दही, तेज़ाबी चीज़ें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बासी खाना, बार बार गर्म करके खाया गया खाना, अल्कोहल, शराब आदि का सेवन ये ना करें। और सैर करें जितना हो सके, हल्की रंग की सब्जियाँ, लौकी, टिंडा, तुरई, शलगम, साग सब्जियाँ ज़्यादा खाएं, कड़वा खीरा छिलके समेत खाएं। आपको महसूस होगा कुछ दिनों में ही, जब ये औषध साथ में लगेगी तो आपको आराम आने लगेगा। वैद्य भाई बहनों की जानकारी बढ़ाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि जिनको कांचनार वृद्धिवादिका कम असर करे उनका अनुपान बदल कर उसे गर्म पानी की बजाय रासनादि क्वाथ से लिया जाए। रासनादि क्वाथ 1 दिन का बना सकते हैं, सुबह गुनगुना गुनगुना उसी में से ले लिया, शाम को उसे दोबारा गर्म कर लिया, ज़्यादा पुराना ना रखें वो बासी हो जाएगा, तो रोज़ नया बनाएं, रोज़ नया प्रयोग करें, आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। जिनको बिल्कुल तेज क्वाथ ना असर करे या तेज लगे, थोड़ा उल्टी जैसा महसूस हो, उनको फांट बना के दी जा सकती है। मेरा मतलब फांट से मेरा मतलब कि 1 चम्मच वही रासनादि क्वाथ 1 कप गर्म गर्म पानी में डाल के ढक दिया जाए 10 मिनट, वो तैयार हो गया आपका, बस उसे छान लें, जो उसका फोकट है वो निचोड़ लें, पानी पानी लेना है वो दवाई के साथ, सुबह शाम भोजन के बाद थोड़ा कपालभाति प्राणायाम करें, अग्निसार क्रिया करें, पैरों में सरसों का तेल रगड़ें कांसे की कटोरी से, और उससे शरीर को हल्का करें, शरीर की मालिश भी करें, धूप लिया करें, पसीना निकाला करें, हो सके तो मेहनत करें, ज़्यादा शारीरिक श्रम करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ फिर से मिलूँगा। नमस्कार। आयुर्वेद में छोटे बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए कम दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ना के बराबर, वो गोली नहीं खा सकते, तेज़ दवाइयाँ नहीं खा सकते। इस समस्या को समझते हुए मैं लेकर के आया हूँ आनंदम आयुर्वेद की तरफ से आपके लिए ढेर सारे अर्क, जिसमें आपको अश्वगंधा का अर्क, जीरा का अर्क, और ये गाय के दूध से बना हुआ अर्क कमज़ोर बच्चों के लिए,
ऐसे ही बहुत सारे अर्क आपको मिल जाएंगे। आप इसे अपने घर में रख सकते हैं, कभी भी फर्स्ट एड के तौर पे ज़रूरत पड़ने के लिए आपको ये बड़े ही अच्छे हैं, बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक सबके लिए। और इनकी डोज यदि कम ज़्यादा भी हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं होती। ये अर्क आपको sanskritibazaar.com पर मिल जाएंगे, आप अपने घर बैठे इसे मंगवा सकते हैं। सभी वैद्य भाई बहन इस अर्क की विद्या को भी अपने आयुर्वेद की प्रैक्टिस में शामिल करें, क्योंकि ये भगवान शंकर द्वारा चलाई गई है। उन्होंने माँ पार्वती को सिखाया, माँ पार्वती ने आगे रावण को विद्या दी और रावण ने फिर इस पे बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। आप ज़रूर इसे अपने घर में, अपने जीवन में शामिल करें।